कह तो दी है कि माई बाप की पार्टी है, है ना, ए टू जेड की पार्टी, कितना बड़ा पलटेगा हमको बुझे भी नहीं करता है। 90 से 2005 का शासनकाल बिहार की जनता भूली नहीं है। लोगों को उठा लिया जाता था, हत्याएं की जाती थी, परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक के मामले में आपके सहयोगी जो नजर आ रहे हैं उस पे कब ट्वीट कीजिएगा, उस पे कब बोलिएगा। आपराधिक घटना पे राजनीति करना ये और भी दुखद है कि नौकरी देने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री जी को होता है और 17 महीने का क्रेडिट लेने का शौक है ना। आरोप लगाने के पहले तेजस्वी जी, वर्तमान में बिहार और देश की जनता, खासकर युवा और नीट के विद्यार्थी आपसे पूछ रहे हैं, जहां पे अपराध चरम सीमा पे थे और अपराध और नौकरी के बदले जमीन लेना आपका जो है वो कर्तव्य बन गया है, कार्य बन गया है, आपका नियत नीति हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार फेसबुक ट्विटर हैंडल के माध्यम से बिहार की आपराधिक घटनाओं पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया है, किस तरीके से देखती है अनुप्रिया जी लगातार तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं को लेकर आवाज? आपराधिक घटना जो है वो दुखद है, लेकिन आपराधिक घटना पे राजनीति करना ये और भी दुखद है। खासकर कि राजनीति, आप अगर अपराध को धर्म का रूप दीजिएगा तो बिहार की जनता जानती है कि अपराधी बैकग्राउंड और अपराध का परचम किनके शासनकाल में लहरा रहा था। 90 से 2005 का शासनकाल बिहार की जनता भूली नहीं है, जिससे में सरेआम लोगों को उठा लिया जाता था, हत्याएं की जाती थी, लेकिन आज का यह दौर है सुशासन बाबू का सरकार है कि जहां पे अपराधी 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होते हैं, कार्रवाई होती है, यहां पे जिनके साथ में घटना होती है उनको इतना हौसला होता है कि जाकर के वह जाकर के प्रशासन में कंप्लेन करती है, और जहां प्रशासन में कंप्लेन नहीं होता है प्रशासन स्वतः वहां पे असंज्ञान लेकर के कार्रवाई करती है। तो इस तरह की बातों पे आरोप लगाने के पहले तेजस्वी जी, वर्तमान में बिहार और देश की जनता, खासकर युवा और नीट के विद्यार्थी आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो इतना बड़ा अपराध कर दिया है, जो आपके साथ में रहने वाले लोग, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस तरह के परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक के मामले में आपके सहयोगी जो नजर आ रहे हैं उस पे कब ट्वीट कीजिएगा, उस पे कब बोलिएगा, क्योंकि यह सच्चाई हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि आप उसी बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे अपराध चरम सीमा पे थे और अपराध और नौकरी के बदले जमीन लेना आपका जो है वो कर्तव्य बन गया है, कार्य बन गया है, आपका नियत नीति हो गया है। शायद इसी प्रकरण में आप चुप हैं, ट्विटर कुछ दिन में बंद कर दीजिए, नहीं तो बिहार की जनता आपकी बोली बंद कर देगी। बड़ा खुलासा कर रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर नीट एग्जाम। ये हम नहीं बोल रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट है, आप देखिए ना, पूछ तो रहे हैं कि आप तो कि आपके जितने भी ये नीट के मामले में जो लोग सम्मिलित हुए हैं, आपके जो उनको ठहरने के लिए आप आवंटन कर रही है, कर कौन रहा था? अब ट्विटर नहीं खुल रहा है, अकाउंट बंद हो गया है कि ट्विटर की बाबा आप अपने भाग गए हैं। देखिए, आपको जनता जो है, और जनता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया था जरूर काम करने के लिए, लेकिन यह करने के लिए नहीं दिया था कि युवा के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कीजिए। और आप आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाइए, पूरे देश में आप देखिएगा इनके नाम का पुतला जलेगा कि आज जिस तरह से युवाओं के भविष्य में खिलवाड़ करते हैं। आखिरी सवाल होगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में लाखों नौकरियां दी और सरकार को देना चाहिए, हमने कर क्या है? जाग जाइए, उठ जाइए, ये आज आप जो जिसका क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता प्रबुद्ध है, शिक्षित है, वो जानती है कि नौकरी देने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री जी को होता है और 17 महीने का क्रेडिट लेने का शौक है ना। भैया मैं आपसे पूछती हूँ, 90 से 2005 का क्रेडिट काहे नहीं लेते हैं? आपके माता पिता का शासनकाल था, कह तो दिए कि माई बाप की पार्टी है, है ना, ए टू जेड की पार्टी, कितना बड़ा पलटेगा हमको बुझे भी नहीं करता है। एम वाई से आते हैं, ए टू जेड पी कहते हैं, माई बाप, माई बाप के कामों का भी क्रेडिट लीजिए। और 17 महीने की जनता ने, 17 महीने का जो कार्य का आप ढिंढोरा पीट रहे थे ना, दे दिया वोट लोकसभा में, सीट आ गई आपकी, आपको पता चल गया। और देखिए, उनको पता होना चाहिए कि जो हमने वादा किया था 2020 में 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए वो चल रहा है। कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में आकर कहा है कि हम 10 लाख रोजगार और नौकरी हम देने के लिए हम प्रबद्ध है और कार्य को करेंगे। चलिए, हमारे साथ अनुप्रिया थी, जदयू प्रवक्ता, सीधे तौर पर कहते नजर आई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शासन के पहले, जब उनके माता पिता का शासनकाल था उस वक्त का, वो क्रेडिट क्यों नहीं लेते हैं, तमाम जो सवाल हैं, कई सवाल तेजस्वी यादव से पूछते नजर आ रही थी। उनका कहना था कि आखिर ट्विटर हैंडल पर नीट में परीक्षा को लेकर जो खबरें निकल कर सामने आ रही है उस पर तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं, कई बड़े सवाल उठाते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हमारे अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें, धन्यवाद।